Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering SCMPE theory topic, that is strategic frameworks for value chain analysis. If you are new to this channel, I upload videos every day at 7 p.m. You can get the link of the notes which I'm going to use in the description box below. Also, I have mentioned the link of playlists that have been uploaded till date on my channel. So without wasting any further time, let's start with our main topic of discussion for today, that is strategic frameworks for value chain analysis. You can get this topic on page number 11 of these notes, right? So heading se pata chal raha hai, heading ke andar likha hua hai strategic frameworks फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. मतलब जब आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना होता है किसी भी कंपनी का, तो उस केस में आपको कौन से स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप वैल्यू चेन एनालिसिस कर पाओगे. सो वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, आपके पास इंटरनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के भी बारे में पता होना चाहिए. इंटरनली आपकी कंपनी में, आपकी फर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वैल्यू चेन्स हैं, क्या क्या नहीं हैं. सिमिलरली जब आप एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की तरफ देखोगे, तो आपको अपनी जैसी इंडस्ट्री की भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप वैल्यू चेन एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे, जब आपके पास इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी अवेलेबल. सो फर्स्ट लाइन में यही चीज़ लिखी हुई है, वैल्यू चेन एनालिसिस रिक्वायर्स इंटरनल इन्फॉर्मेशन. सो वैल्यू चेन एनालिसिस रिक्वायर्स वर्ड लिखा है, मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए यू नीड टू हैव इंटरनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन. इंटरनल इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनल वैल्यू चेन एनालिसिस करना होगा. और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि आपको इंडस्ट्री वैल्यू चेन एनालिसिस करना है. वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए आपको स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए, जिसमें वेरियस वेरियस इन्फॉर्मेशन होती है. तो जनरली अगर हम देखें, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. मतलब हमारी तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये तीन चीज़ें हम करते हैं तभी हम वैल्यू चेन एनालिसिस को अच्छे से कर पाएंगे. सो वो ऐसी कौन सी तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारी स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइंड है. पहली हमारी है एनालिसिस, दूसरा है हमारा कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस, और तीसरा है सेगमेंटेशन एनालिसिस. इसको मैं ब्रीफ में अगर बोलूं, तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब हो गया इंडस्ट्री के लिए या इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप चेक करो कितने नंबर ऑफ एंट्रेंट्स हैं, क्या उन पर कोई थ्रेट है, कितने सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है. ये सब चीज़ों को जब हम इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस. इसको पॉटर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि पॉटर, मतलब माइकल पॉटर ने ये फाइव फोर्सेस दिए थे, फाइव फैक्टर्स बताए थे, जिसकी वजह से आप डिटर्मिन कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को. ऐसे फैक्टर्स जिससे कि आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी, आपकी फर्म कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकती है, कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है. बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन डिटर्मिन दैट कौन से फैक्टर्स हैं, वो हमें पता करना पड़ेगा जब भी हम इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस. कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है समथिंग यूनिक. कुछ चीज़ आपकी फर्म के अंदर यूनिक होगी, कुछ आपके अंदर यूएसपी होगी, कुछ यूनिक पॉइंट्स होंगे, कुछ डिफ्रेंसिएशन होगा दूसरे फर्म्स या कंपनीज से विद इन द इंडस्ट्री. तो वो ही होती हैं आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, जिसको कोई भी ईजिली कॉपी नहीं कर सकता, वो ईजिली इमिटेट नहीं की जा सकती हैं, उन्हीं को हम कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस बोलते हैं. तो कोर कॉम्पिटेंसीज बोलते हैं, तो बेसिकली इन कोर कॉम्पिटेंसीज का एनालिसिस करोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क. थर्ड, सेगमेंटेशन एनालिसिस. व्हेन आई टॉक अबाउट सेगमेंटेशन एनालिसिस, तो सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी के अंदर वेरियस वेरियस सेगमेंट्स होते हैं, मतलब वेरियस वेरियस पार्ट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू काम होता है.
एक सेगमेंट का एक्सपीरियंस आप दूसरे सेगमेंट में अप्लाई करते हो, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट्स, जो बेनिफिट्स आपके एक सेगमेंट में हुए हैं वो सभी में हो पाएँ। सो इस तरीके से आपको सेगमेंट वाइज एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा सेगमेंट आपका अच्छा चल रहा है, जिसका काम अच्छा हो रहा है, और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसका काम अगर आप खुद ना करके किसी और से करवाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो आपको खुद करना चाहिए या फिर आउटसोर्स करना चाहिए, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, आपको सेगमेंटेशन एनालिसिस से पता चलेगी। सो ये हमारे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क होते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो अब एक एक करके, ये तो था ब्रीफ, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में। सो साथ साथ रीड करते रहेंगे और साथ साथ समझते भी रहते हैं। सो सबसे पहले है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसको हम पॉटर्स फाइव फोर्सेस एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास माइकल पॉटर्स फाइव फोर्सेस पर क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट ये फाइव फैक्टर्स ज़रूर पता होने चाहिए जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटर्मिन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो काफ़ी बड़ी है, ठीक है, या आपको इंडस्ट्री ऐसी लगती है कि वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो क्या ये चीज़ को इंश्योर करती है कि वो इंडस्ट्री पक्का प्रॉफिट ही कमा रही होगी? क्या इस बात का एविडेंस आपको मिलता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रोथ और लार्ज साइज? नो। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के भी जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो फॉल हो जाते हैं, कई बार प्रॉफिट्स बहुत कम होते हैं, इनएडिक्वेट होते हैं, कई बार लॉसेस भी हो रहे होते हैं काफ़ी, लेकिन हमें तो देखने में लग रहा होता है काफ़ी बड़ी कंपनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनकी जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है, और सिंस वो अपना मार्केट साइज़ लूज़ नहीं करना चाहती, मार्केट को उतना ही रखना चाहती हैं, अपने कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स को रिड्यूस नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपना सेल प्राइस भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव रख रही है, कहीं ना कहीं कम रख रही है, बट उसकी कॉस्ट भी कम नहीं है, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स तो कम हो रहे हैं, बट सिंस हमें दिख रहा है कि उसका लार्ज मार्केट बेस्ड है, लार्ज कस्टमर बेस है, तो हमें लगता है कि काफ़ी ग्रोइंग या काफ़ी लार्ज कंपनी है, लार्ज इंडस्ट्री है, सो पक्का अच्छे ही प्रॉफिट्स हो रहे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब है कि हमेशा ही उसमें प्रॉफिट्स होंगे। नो, इट इज़ नॉट दैट कि अगर इंडस्ट्री बड़ी है, ग्रोइंग है, तो इसका मतलब है कि हर किसी को ही उसमें प्रॉफिट हो रहे होंगे। नो, दैट इज़ नॉट द केस। सो एन इंडस्ट्री माइट नॉट यील्ड हाई प्रॉफिट्स जस्ट बिकॉज द इंडस्ट्री इज लार्ज और ग्रोइंग। द फाइव फोर्सेस सजेस्टेड बाय पॉटर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। माइकल पॉटर डेवलप्ड अ फाइव फैक्टर्स मॉडल एज अ वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर टू इवेलुएट इट्स पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस, कि आपको एक्चुअली वो इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है, पोटेंशियली अट्रैक्टिव है या नहीं, वो उस चीज़ को कंसिडर करना है। तो यू शुड ऑल्सो सी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। सो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी आर दिस। सो फैक्टर्स कौन से हैं? थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सेकेंड इज़ बारगेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, थर्ड इज़ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, फोर्थ इज़ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एंड फिफ्थ इज़ राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। सो दीज आर द फाइव फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी। ये किसके फाइव फैक्टर्स हो गए? ये माइकल पॉटर के भी फाइव फोर्सेस के नाम से जाने जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइकल पॉटर्स फाइव फोर्सेस। अब एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो आपको फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, ये आपको एज अ डायनामिक एनालिटिकल टूल की तरह यूज़ करने हैं। क्यों? आपको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल और सेम। दैट इज़ वाई ये जो फैक्टर्स हैं ये भी डायनामिक होते हैं। इन फैक्टर्स को भी आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ सकता है। So these are to be used as a dynamic analytical tool. This you need to remember, right? So अगर मैं बात करूँ एक एक करके ब्रीफ में कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का क्या मतलब है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का मतलब क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का क्या मतलब है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का मतलब क्या है, और राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स का क्या मतलब है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई भी आने जाने पर रोक नहीं है, ईजिली कोई भी उस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकता है और अपना काम स्टार्ट कर सकता है, तो आप बताओ कि वहाँ पर कंपटीशन लेवल ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा, क्योंकि हर कोई आकर उस इंडस्ट्री में वो उस टाइप का काम स्टार्ट कर सकता है,
ईजी एंट्री है उस इंडस्ट्री में. जब ईजी इंडस्ट्री होती है तो ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. जब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हमारा ज़्यादा होता है ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कम होने लग जाती है. क्यों? क्योंकि देर आर सो मेनी सप्लायर्स ऑफ दी सिमिलर प्रोडक्ट्स, सो मेनी सप्लायर्स की आपका जो कस्टमर बेस है वो भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के चांसेस रहते हैं. हर कोई कॉम्पिटिटिव प्राइस पर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होगा. सो जब भी ईजी एंट्री होती है ना, तो देर इज़ अ प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन टू दैट. ठीक है. और जैसे कि अगर हम कोई सोचें, कोई भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब हर कोई ईजीली उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकता है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि कम लोग उस जगह पर एंटर कर पाएंगे. देयर विल बी लेस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. व्हेन देयर इज़ लेस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी उतने ही इंक्रीज हो जाते हैं. सो दिस वॉज अ जस्ट ब्रीफ नोट ऑन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स का क्या मतलब है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स की अगर मैं बात करूँ, एक बात बताओ, अगर कोई भी बायर है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है, जब कोई बायर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो ऑब्वियसली देर आर हाई चांसेस कि वो बार्गेन ईजिली कर पाएगा. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं प्रेशर है. आपसे कोई इतना ज़्यादा सामान खरीद चाहिए, वॉल्यूम की वजह से हमें उसको वो बार्गेन कर पाता है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. हम नॉर्मली भी देखें, हम भी कहीं कुछ बाय करते हैं, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें बार्गेनिंग करने का राइट मिल गया है, हम बार्गेनिंग कर सकते हैं और हमारी ईजिली हो भी जाएगी. क्यों? क्योंकि हमने तो बहुत सारा सामान खरीदा है. सिमिलरली किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई बायर होता है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहा होता है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्रेशर होता है ऑन दी सप्लायर. राइट. सेकंड, अगर कोई भी आप देखो, अगर बायर इजीली एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पर इजीली स्विच कर सकता है, उसको ज्यादा कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस चेंज करने से उसके ऊपर कॉस्ट वाइज कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो वो ईजीली स्विच कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो सप्लायर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा. किस बात का? कि वो अगर सप्लायर सही से प्रोडक्ट को सही प्राइस पर नहीं सप्लाई करेगा तो वो दूसरे सप्लायर पर शिफ्ट हो जाएगा. सो इससे उसकी बार्गेनिंग पावर पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है, वो ऑब्वियसली बार्गेनिंग पावर उसकी बढ़ रही है. राइट. नेक्स्ट, अगर मैं देखूं कोई भी बड़ी कंपनी किसी छोटे छोटे सप्लायर से सामान खरीदती है, तो उनका उन पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से हाई बार्गेनिंग पावर को वो एक्सरसाइज कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि छोटे सप्लायर्स को लगेगा कि एक फिक्स्ड ऑर्डर आ रहा है कहीं से, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी से जहाँ पर उसको पूरा भरोसा है कि टाइम पर पैसे आएंगे, सब कुछ टाइम पर होगा और ये हमेशा फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा बना रहेगा, हमेशा ये सप्लाईज चलती रहेंगी. तो छोटा जो सप्लायर है वो तो सोचेगा ना, ठीक है क्यों, थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स दे देते हैं, प्राइस कम कर देते हैं, एटलीस्ट हमारे पास फिक्स्ड इनकम तो आ रही है. सो इस चीज़ की वजह से स्मॉल जो सप्लायर्स होते हैं ना, और सप्लायर्स का जो साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बायर्स की बार्गेनिंग पावर पर. साइज़ कम होता है ना, तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो जाती है बायर्स की. ठीक है. सो ये हमारा ब्रीफ पॉइंट हो गया अबाउट बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. अब एक बात बताओ, अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इससे क्या होगा? अगर एक्स प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है लेकिन वाई उसका सब्स्टिट्यूट है, तो बंदा वाई खरीद लेगा. तो जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो पहला ओरिजिनल प्रोडक्ट है उस पर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उतनी उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, जस्ट बिकॉज अ सब्स्टिट्यूट इज़ अवेलेबल. अगर ये प्रोडक्ट नहीं भी बनाया ना, तो दूसरा बिक जाएगा और उससे काम हो जाएगा. सो इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स होने की वजह से लोग डिवाइड हो जाते हैं, कोई इस ब्रांड को ख़रीदता है, कोई दूसरी ब्रांड को ख़रीदता है. इसीलिए हमें प्रोडक्ट्स हमेशा यूनिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट ना बना पाए. सब्स्टिट्यूट नहीं बना पाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो सेल्स हैं वो इंश्योर्ड रहेंगी कि लोग आपसे ही खरीदेंगे और यही प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है. इसीलिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ना बने, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसी चीज़ें बनाओ या ऐसी सर्विसेज दो कि कोई और ना दे पाए.
सो ब्रांड वैल्यू, कस्टमर लॉयल्टी, ये हमें क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, तभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर टिक पाता है, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। व्हेन आई से बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इसका मतलब क्या है? जब सप्लायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब मार्केट में सप्लायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आप कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, राइट। अगर लेकिन आपका कोई भी ऐसा इनपुट है, अगर आपका कोई भी ऐसा इनपुट है जो आप बाय करने जा रहे हो और वो कुछ ही सप्लायर्स सप्लाई करते हैं, जब कुछ ही सप्लायर्स किसी इनपुट को सप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप उन्हीं से खरीदोगे, उन्हीं से खरीदोगे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सप्लायर्स की मोनोपोली हो गई, उनकी पावर आएगी। क्यों? क्योंकि तो सप्लायर्स तो कम है, ख़रीदना है तो आपको इन्हीं से ख़रीदना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी पावर का यूज़ करेंगे और आपको प्रोडक्ट्स महंगा बेच सकते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव दी मोनोपोली। कम लोग इस चीज़ में डील कर रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट वो दे रहे हैं जिसको आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते, ना ही इसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास है, मतलब कोई सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए आपको ये इनपुट लेना ही पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा, तो सप्लायर की मेजॉरिटी हो गई, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर आ गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करके आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकता है बिकॉज देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट और द प्रोडक्ट इज़ नॉन रिप्लेसेबल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है सबके बीच में, ठीक है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो फर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, वो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्यों करना पड़ रहा है उनको एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस? क्योंकि जिससे कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आए, पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तभी तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। तो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेचने की वजह से, इसी वजह से वो क्या करेंगे? कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करेंगे, कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपके जो सरप्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। जब सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में और डिमांड कम होती है, उतनी डिमांड नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्राइस पर इन्फ्लुएंस आता है, राइट। तो आपका प्राइस कम करने की वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को भी हो सकता है कि आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट कंपनी की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो जिससे कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम रहे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन। क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना इंटेंस है, इतना कट थ्रोट है, आपको अपना प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। सो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ता है? आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, वेस्टेजेस भी होती हैं, प्लस अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं कोर कॉम्पिटेंसीज, अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है, यूनिक नहीं है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपके लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। तो आपकी राइवलरी होना, कॉम्पिटिशन होना, तो जाहिर सी बात है होएगा ही होगा। सो यही सब हमारे इसमें टॉपिक्स में डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया इनके बारे में, अब एक एक करके पढ़ते हैं और इनको समझते हैं कि बुक में क्या लिखा है। देखो, समझना एक चीज़ होती है और बुक की लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना अलग होता है। सो आपको समझ आ गया, पहला स्टेप हमेशा होना चाहिए समझ आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन दी की वर्ड्स एंड द मेन लाइन्स दैट यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो अब हमने समझ लिया है पूरा टॉपिक, अब हम रीडिंग करेंगे एक साथ। रीडिंग के साथ साथ आपको जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं या जो भी वर्ड्स लगते हैं जो सिर्फ आपको देखने से याद आ जाए कि इस टॉपिक में क्या था, आप उनको साथ साथ हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना। जैसे नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीड करो या मेरी वीडियोज़ भी जब आप सुन रहे हो दोबारा, आप इन थ्योरी टॉपिक्स को स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी बार बार पढ़ना, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में हर कोई बोर हो जाता है, कहीं ना कहीं मोनोटनस हो जाता है रीडिंग करते करते करते, और प्लस ऐसा लगता है कुछ याद नहीं हो रहा। तो इसीलिए वीडियोस की फॉर्म में आप इसको बार 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 सुन सकते हो, जब भी आपका फ्री टाइम है, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप इसको सिर्फ सुन सकते हो। सुनने से ही यू विल बी एबल टू रिकॉल दी थ्योरी पोर्शन एंड आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके याद भी होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब याद होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इजीली पेपर में लिख पाओगे, आपको बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं लाना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा लिखने से पहले। सो इसीलिए आप इसको इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो बार बार। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दी रीडिंग पोर्शन।
So first is bargaining power of buyers. So the bargaining power of buyers generally determines the ability of the buyer to push the price down. क्यों? क्योंकि बायर का मेन फोकस क्या होता है कि उसको कम प्राइस पर चीज़ मिल जाए. हमारा भी, हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हमारी मेन हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए लेकिन कम प्राइस पर मिल जाए. तो यहाँ पर अगर बार्गेनिंग पावर बायर के पास है तो बायर क्या चाहेगा? प्राइस कम से कम हो जाए. सो द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जनरली डिटर्मिन्स द एबिलिटी ऑफ बायर टू पुश द प्राइस डाउन. दिस हैपन्स व्हेन द बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड और व्हेन द वॉल्यूम परचेज्ड बाय द बायर्स इज वेरी हाई. सो फर्स्ट लिखा हुआ है कब होगा ये, कब, तब होता है जो नंबर ऑफ बायर्स हैं या जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है या जो उनका साइज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, या फिर व्हेन द वॉल्यूम परचेज बाय द बायर्स इज वेरी हाई, हाई क्वांटिटी में परचेजेस करते हैं. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स इज हाई, दे वुड बी इन अ पोजिशन टू डिक्टेट द टर्म्स टू द फर्म. अ बायर ऑल्सो हैज हायर बार्गेनिंग पावर इफ द cost of switching suppliers is very low. A higher bargaining power results in lower profitability. Obviously baat hai, jab price kam price par product koi bechega to uski profitability zyada thodi na hogi. Large companies have a high bargaining power when they buy from small suppliers. So ye example diya hua hai, jab large companies hoti hain wo kisi bhi small supplier se buy karti hai to unki bargaining powers zyada hoti hai, right? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज रिलेटिवली हायर व्हेन द इनपुट इज इम्पॉर्टेंट टू द बाइंग फर्म और व्हेन देयर आर फ्यू सप्लायर्स ऑफ द इनपुट. सो बार्गेनिंग पावर सप्लायर की कब ज़्यादा होती है? तब ज़्यादा होती है जब जो इनपुट वो सप्लाई कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड जब अवेलेबल सप्लायर्स बहुत कम होते हैं. सप्लायर्स जो अवेलेबल हैं वो भी कम हैं, या फिर आपका जो इनपुट है वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट है, जिसको हर कोई सप्लाई नहीं करता है. द सप्लायर्स कुड ऑल्सो डिक्टेट द टर्म्स इफ द इनपुट सप्लाइड इज नॉट रिप्लेसेबल और व्हेन एन अल्टरनेटिव इनपुट इज नॉट अवेलेबल. माइक्रोसॉफ्ट डोमिनेट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम बिजनेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स एंड कैन डिक्टेट द टर्म्स टू इट्स बायर्स एज बायर्स डू नॉट हैव एनी मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. The profitability of companies can shrink if the suppliers have a high bargaining power. Obviously बात है, जब high bargaining power होगी suppliers की तो जो company buy कर रही होगी तो उसकी profitability ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. Next, threat of substitute products or services. When multiple and close substitutes, multiple भी हैं plus close substitutes हैं, ऐसा नहीं कि substitutes हैं सिर्फ, क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, मतलब अगर आपने एक्स की जगह वाई भी यूज़ किया ना तो ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना के बराबर फ़र्क पड़ने वाला है. सो व्हेन मल्टीपल एंड क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द कस्टमर्स आर लाइकली टू स्विच सप्लायर्स ईजीली. ईजी हो जाएगा, एक सप्लायर छोड़ा दूसरा. क्यों? क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट से तुम नखरे कर रहे हो, हम दूसरे से ले लेंगे. अ फर्म इन सच अ केस मस्ट रिजॉर्ट टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू रिटेन इट्स कस्टमर. अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने महंगा किया तो वो दूसरे सप्लायर पर शिफ्ट हो जाएगा. वेन फ्यू सब्सटीट्यूट्स एग्जिस्ट फॉर अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे अ पोटेंशियली हाई प्राइस. इफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर अ प्रोडक्ट एग्जिस्ट देन देर इज अ लिमिट टू वॉट प्राइस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे. The problem becomes severe if substitutes are available at much cheaper price. Case launch of Reliance Jio. अब एक बात बताओ, Jio ने तो free में देने start कर दिया था, तो Airtel, Voda वाले अगर वो ऐसा करने लग जाएंगे तो उनकी तो बंदी हो जानी कंपनी. तो since Jio ने ऐसा किया तो it was difficult for Voda, Airtel कि वो भी free में दे दें. तो इस केस में आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पर भी नहीं दे पाओगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्राइस ही बहुत कम चल रहा है. यहाँ पर जियो ने फ्री में कर दिया, आपके लिए प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट अवेलेबल था बहुत ही चीपर प्राइस पर. एयरटेल और वोडाफोन क्या कर लेंगे इस चीज़ में? अ कंपनी शुड स्ट्राइव बिल्ड इट ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टी टू थ्रॉट द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट. थ्रॉट मतलब होता है किसी भी चीज़ को अकम्पलिश
होने से प्रिवेंट करना. फॉर एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट होने से प्रिवेंट करना इस लाइन का मतलब है कि किसी भी सब्स्टिट्यूट का थ्रेट आपको ना हो. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कंपनी को अपनी ब्रांड वैल्यू इतनी बनानी पड़ेगी, अपनी कस्टमर लॉयल्टी इतनी रखनी पड़ेगी कि वो किसी और सब्स्टिट्यूट पर मूव ना करें, चाहे फिर वो फ्री में ही क्यों ना मिल रहा हो. सो एयरटेल, वोडाफोन और जो भी बाकी की कंपनीज हैं, उन्होंने अगर ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करी भी होगी, तो उस केस में चाहे फ्री में भी कोई प्रोडक्ट मिल रहा था, कोई भी उस प्रोडक्ट पर नहीं जाता अगर ऐसा उन्होंने क्रिएट किया होता तो. सब्स्टिट्यूट्स कुड बी फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री और फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री. द पेपर इंडस्ट्री फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम ई बुक मार्केट. व्हेन मोर पीपल स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज ट्रेन्स, द डिमांड फॉर व्हीकल्स कम्स डाउन. सो इंडस्ट्री सेम भी हो सकती है, इंडस्ट्री दूसरी भी हो सकती है जिससे आपको थ्रेट हो सकता है. क्यों? क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट किसी दूसरी इंडस्ट्री से आ रहा है जिसका काम वही, पर्पस वही सर्व कर रहा है. इंडस्ट्री दूसरी है पर पर्पस वही सर्व हो रहा है. तो सब्स्टिट्यूट किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको अपनी ही इंडस्ट्री से थ्रेट होता है हमेशा. राइट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. The threat of new entrants largely depends on the barrier to entry and perceived profitability in an industry. So, नए entrants का आना किस पर depend करता है कि entry पर कितने barriers हैं, कितनी restrictions हैं. If an industry is profitable and the barriers to entry are low, industry profitable है, attractive है और barriers to entry भी कम है, तो एक बात बताओ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे काम करने के लिए. ऑब्वियसली आएंगे. न्यू फर्म्स कुड एंटर द इंडस्ट्री लीडिंग टू एक्सेस सप्लाईज एंड रिड्यूस्ड प्राइसेस. जब सप्लाईज बढ़ जाएंगी, इतने सारे लोग एक ही चीज़ प्रोडक्ट बनाने में लग जाएंगे, डिमांड तो उतनी है. अगर डिमांड उतनी ही है तो उस केस में बताओ क्या होगा, सप्लाईज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. सप्लाईज ज़्यादा होंगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. डिमांड प्राइस, डिमांड सप्लाई रखा इकोनॉमिक्स में. Some examples of barriers to entry are intensive capital requirement. अब barriers किस तरीके के हो सकते हैं. For example, capital intensive industry है जहाँ पर capital की huge requirement होती है. हर कोई उतना capital arrange कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. So कहीं ना कहीं restriction हो गई, हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता. Next is sophisticated technology. Technology इतनी sophisticated है हर कोई उसको apply नहीं कर पाएगा. लीगल फैक्टर्स इतने डिफ़िकल्ट हैं कि आप इजीली एंटर करने के बारे में सोचोगे नहीं. क्यों? क्योंकि लीगल फैक्टर्स ऐसे हैं, लीगली इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे कंप्लाइंसेज हैं, दैट यू विल थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज लिमिटेड एक्सेस टू रॉ मटेरियल एंड लेबर एट्सेट्रा. जिस इंडस्ट्री में आप घुस रहे हो उसमें रॉ मटेरियल इतनी मुश्किल से मिलता है, उसकी सप्लाई इतनी मुश्किल है, लेबर्स इजीली नहीं मिलते, तो क्या आप ऐसे जगह फंसना चाहोगे? नहीं चाहोगे. सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. सो ये कुछ तरीके के बैरियर्स हो गए ना, कोई इजीली जल्दी से घुसना नहीं चाहेगा. नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल और सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल नो हाउ माइट नॉट हैव अ हाई थ्रेट ऑफ न्यू फर्म्स एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल एयरलाइन इंडस्ट्री इज अ केस वेयर अ वेरी फ्यू न्यू फर्म a business because of the capital requirements. Another barrier to entry could be legislation which restricts newer firms to start the business, like in the case of defense industry. Certains are largely driven by patents and new firms might find it difficult to enter the industry any industry where the threat of new entrants is low is more profitable than an industry where the new entrants can enter easily. So inverse relation हो गया. अगर threat of new entrants ज़्यादा है तो profitability कम होगी. अगर आपके barriers to entry कम हैं तो उस case में profitability कम होगी. Barriers का और profitability का तो direct relation हो गया, लेकिन threat होना और profitability के बीच में इन्वर्स रिलेशन है. क्योंकि barriers होगा तो threat कम होगा, barriers नहीं होगा तो threat ज़्यादा होगा. तो बैरियर्स और थ्रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशन हो गया. राइट, सो अल्टीमेटली अगर बैरियर्स और प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करेंगे तो देयर विल बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू. इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर, ये हमने पढ़ लिया था. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन या फिर राइवलरी अमंगस्ट फर्म्स. सम मार्केट्स आर मोर कॉम्पिटिटिव दैन अदर्स. इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फर्म्स रिजॉर्ट टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू विन मोर कस्टमर्स. सो इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन की यहाँ पर बात हो रही है कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है, राइवलरी कैसी है अमंगस्ट दी फर्म्स.
कुछ मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं इन कंपैरिजन विद अदर्स. इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फर्म्स रिजॉर्ट टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू विन मोर कस्टमर्स. सो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, हर एक पैराग्राफ में आप देखोगे आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिलते जा रहे होंगे. उन्हीं कीवर्ड्स को बस आपको हाईलाइट करना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है. Some markets are more competitive than others. In highly competitive industries, firms resort to cutthroat competition to win more customers. The competitive rivalry is higher when an industry was when an industry has high number of firms and is lower when there are few large players dominating the market. The intensity of competition is higher when firms are of more or less equal size. जब सेम और इक्वल साइज की होती है ना उस टाइम पर इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि सभी इक्वल लेवल पर हैं और इक्वली कम्पीट कर रही हैं एक दूसरे के साथ. एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री. जब एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही होती है तो अगर कोई भी कस्टमर बेस एक पर्टिकुलर सप्लायर या एक पर्टिकुलर फर्म को छोड़ के दूसरे पर्टिकुलर फर्म से लेना स्टार्ट करेगा तो वो बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा कैपेसिटी वो उसको डिमांड को वो भी कर पाएगी, अचीव भी कर पाएगी. क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी अवेलेबल थी, एक्स्ट्रा कैपेसिटी थी तो उसने एंटरटेन कर दिया बाकी की डिमांड को भी. डिफ़िकल्टी इन द डिफ्रेंसिएशन इन द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स इतने सिमिलर होते हैं कि अगर आप एक एक्स की जगह वाई भी ले रहे हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए आप स्विच भी कर पा रहे हो ईजिली दूसरी फर्म के पास और इसी वजह से उनके बीच में कॉम्पिटिशन बहुत है. हाई एग्जिट बैरियर्स. दिस इज़ द केस वेयर द एग्जिट कॉस्ट आर हाई, हेंस फर्म्स मस्ट कॉन्टिन्यू इन द इंडस्ट्री डिस्पाइट एक्सेस कैपेसिटी एट द इंडस्ट्री लेवल. आप अगर एंट्री तो ले ली अब आपने इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर आपको छोड़ना है ना उस इंडस्ट्री को तो आपके इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी कि आप सोचते हो कि छोड़ने की बजाय मैं कंटिन्यू ही कर लेता हूँ. अब इस चक्कर में क्या होता है, काफ़ी सारी फॉर्म्स जो हैं वो कंटिन्यू करने लग जाती हैं. अब सभी कंटिन्यू करती हैं, इसकी वजह से कॉम्पिटिशन रहता ही रहता है, ख़त्म तो होता नहीं है. सो इसीलिए बोला हुआ है हाई एग्जिट बैरियर्स की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है. हायर फिक्स्ड कॉस्ट. Firms would want to produce as much as possible to keep the unit cost low, leading to surplus capacity. तो obviously बात है हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा produce करना चाहता है. क्यों? क्योंकि हमने costing में इतने सारे questions करे और हमें पता है कि अगर ज़्यादा production होगी तो per unit cost तो obviously कम आएगी. तो वही चीज़ यहाँ पर बोली हुई है. Since these five forces are ever changing, हमारा environment क्या है, dynamic, तो ये forces भी क्या हो गए, dynamic, ever changing हो गए. Work need to be employed as a dynamic analytical tool. So this is the keyword. This is because competition is a dynamic process. Equilibrium is never reached and industry structures are constantly being reformed. The five forces analysis helps a firm to better understand the industry value chain and its competitive environment. तो आपको ये help करेगा कि आप easily समझ पाओ और value chain analysis कर पाओ. ठीक है? इसके बाद हम करने वाले हैं टॉपिक अपना कोर कॉम्पिटेंसीज का. आप केस सिनेरियोस खुद से कर सकते हैं. इन केस आपको कोई भी केस सिनेरियो में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, उस पर्टिकुलर केस सिनेरियो का हम कवर कर लेंगे साथ में. ठीक है? सो फॉर नाउ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है विच इज़ कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस. कोर कॉम्पिटेंसीज का मैंने ब्रीफ आपको कर ही दिया था कि कुछ भी आपके पास यूनिक चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास क्वालिटी है, यूनिक है, तो उस केस में उसको कोर कॉम्पिटेंसी बोला जाता है. कोर कॉम्पिटेंसी इज अ डिस्टिंक्टिव और यूनिक स्किल और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ दैट क्रिएट्स डिस्टिंक्टिव कस्टमर वैल्यू. The core competency of Google is its capability to deliver the excellent search results which could not be imitated by its competitors. The core competencies are a function of the collective skill set of people, organization structure resources, and technological know-how. A core competency is the primary source of an organization's competitive advantage. So, core competency क्या होता है? Primary source होता है किसी भी organization की competitive advantage का. अगर आपकी organization में core competencies हैं आपके पास तो definitely आपको ये एक edge देगा, एक advantage देगा from your competitors. The competitive advantage could result from the cost leadership or product differentiation. So core competitive या competitive advantage आपको किस चीज़ में आपको benefit देगा? अगर आपके पास competitive advantage है ना
तो किस वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ कॉस्ट लीडरशिप. आपकी जितनी कम कॉस्ट पर कोई भी वो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड ही नहीं कर सकता. कॉस्ट लीडरशिप आपके पास कम से कम में प्रोड्यूस करते हो आप, या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ऐसा प्रोडक्ट बना दो कि कोई दूसरा नहीं बना सकता, या तो इतना सस्ता बनाते हो कि कोई दूसरा नहीं बना सकता, या फिर इतना अच्छा बनाते हो, इतना अलग प्रोडक्ट बनाते हो कि कोई और नहीं बना सकता. देर आर थ्री टेस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग अ कोर कॉम्पिटेंसी. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को, ये तीन टेस्ट आपको दे रखे हैं जिससे आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट है हमारे पास डिफ़िकल्ट फॉर दी कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट. ऐसा काम करते हो जो कि ईजीली कॉपी नहीं हो सकता है. तो डेफिनेटली ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है. तो डेफिनेटली सम यूनिक पॉइंट इज़ देयर इन यू, सम डिस्टिंक्टिव पॉइंट इज़ देयर इन यू. नेक्स्ट टेस्ट टू हमारे पास है एक्सेस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट्स. आपके पास इतनी सारी मार्केट्स का एक्सेस है, मतलब आप हर मार्केट के अंदर इस चीज़ को बेच सकते हो, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अपना डिस्प्ले कर सकते हो, और कस्टमर्स आर देयर टू बाय योर प्रोडक्ट्स. आप उन प्रोडक्ट्स को इतनी जगह पर इतनी मार्केट्स में लेके जा सकते हो. तो इस केस में भी कोर कॉम्पिटेंसी तो है, क्योंकि हर चीज़ को आप हर मार्केट में सेल कर दो ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स में बेचने की कैपेबिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली देर इज़ सम यूनिक पॉइंट इन योर प्रोडक्ट और सर्विस. नेक्स्ट एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स. प्रोडक्ट बेनिफिट्स ऐसे हैं भाई कि पूछो मत, इतने बढ़िया एंड प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं. तो ये सभी टेस्ट आपको क्या बताते हैं? ये सभी टेस्ट आपको बताते हैं कि कोर कॉम्पिटेंसी कैसी है आपकी. अब ये कोर कॉम्पिटेंसी में डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूसली चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है. अगर आप इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बदलते हो टाइम पर, तो क्या होगा? आप भी डायनासोर्स जैसे हो जाओगे. डायनासोर्स और कॉकरोच की कहानी हम सबको पता है. कॉकरोचेस ने सर्वाइव कर लिया, डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, लेकिन डायनासोर्स ने अपने आप को नहीं बदला. फिर कॉकरोचेस ने अडाप्ट कर लिया, इसीलिए वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं. सो हमें कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए. हमारी कंपनी या फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए? डायनामिक होना चाहिए. एनवायरनमेंट के साथ बदलने की हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए. नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं. अब एक एक करके लाइंस सारी रीड करते हैं. द लॉस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज कुड बी डिजास्टर फॉर फर्म्स. अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है ना, तो ये एक डिजास्टर से कम नहीं है. नोकिया वॉज द लीडर इन द फीचर फोन सेगमेंट टिल स्मार्टफोन्स वर इंट्रोड्यूस्ड. हम सबको पता है हर किसी के पास नोकिया का फ़ोन होता था, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आए, नोकिया का फ़ोन तो कहीं गायब ही हो गया. द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडस्ट्री मेंट दैट नोकिया लॉस्ट द टॉप पोजिशन इन द मोबाइल फोन इंडस्ट्री एंड लेड टू द सेल ऑफ द बिजनेस टू माइक्रोसॉफ्ट. बजाज ऑटो, हु हैड कोर कॉम्पिटेंसी इन द स्कूटर सेगमेंट, लॉस्ट द ट्रैक्शन ऑफ मोटरबाइक्स lost traction when motorbikes were introduced. It is thus important that the firms continuously evolve their core competencies and remain relevant in the ever-changing business environment. आपको अपनी खुद की पहचान बनानी पड़ेगी. चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा, और ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे कि उन चेंजेस का आपके ऊपर उतना असर ना हो, क्योंकि आप भी टाइम के साथ, इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो रहे हो. ओके. कोर कॉम्पिटेंसीज स्टेम फ्रॉम टू सोर्सेज. कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज कहाँ से आती हैं? दो सोर्सेज से आती हैं. पहला है रिसोर्सेज और दूसरा है कैपेबिलिटीज़. रिसोर्सेज का मतलब हो सकता है, रिसोर्सेज आपके टैंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल फॉर्म में भी हो सकते हैं. टैंजिबल जैसे कि आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, मशीनरी है, मनी है. अगर मैं टैंजिबल की बात करूँ, तो आपके पास ऐसे इम्प्लॉयज़ हैं जो उन रिसोर्सेज, जो टैंजिबल रिसोर्सेज हैं, उनको इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हो, ब्रांड वैल्यू है, टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसी है, ठीक है. सो ये सब आपके इनटैंजिबल रिसोर्सेज होते हैं. वहीं अगर मैं कैपेबिलिटीज़ की बात करूँ, तो कैपेबिलिटी होती है उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली अच्छे से कोऑर्डिनेट करना, यूज़ करना, और उससे रिजल्ट्स लेकर आना. तो अगर कैपेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं. रिसोर्सेज नहीं है लेकिन कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं, तब भी कुछ हो पाएगा क्या? नहीं. तो दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. आपके पास रिसोर्सेज का होना भी बहुत ज़रूरी है, और वहीं आपके पास कैपेबिलिटीज़ होने का होना भी बहुत ज़रूरी है. तो दीज आर क्यूमुलेटिवली रिक्वायर्ड. वाई? क्योंकि अगर एक चीज़ है ना और दूसरी नहीं है, तो आप फिर भी उतना अचीव नहीं कर पाओगे जितना आप कर सकते थे. सो रिसोर्सेज,
Resources are the factors that enable a company to create value for customers. They can be tangible or intangible. The more difficult a resource is to imitate, the more valuable it is for the company. क्योंकि अगर कॉपी हो जाएगा तो हर कोई उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अगर वो कॉपी नहीं हो सकता तो वो आपके लिए यूनिक हो जाएगा. यूनिक होगा तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बन जाएगा. द एल्गोरिथम्स यूज्ड बाय गूगल टू डिलीवर सर्च रिजल्ट्स आर नॉट ईजीली इमिटेटेड बाय कॉम्पिटिटर्स. क्यों? क्योंकि ऐसे सर्च रिजल्ट्स कोई प्रोवाइड ही नहीं कर पाता, एल्गोरिथम्स ऐसे कोई बना ही नहीं पाता जिसकी वजह से दूसरे भी उस कॉम्पिटिशन में आ पाए. Similarly, the secret formula of concentrates used by the soft drinks manufacturers like Coca-Cola are hard to copy. अब आ जाते हैं बात capabilities की. Capabilities refer to the company's need to coordinate the resources and put them to the productive use. Availability of resources by themselves does not guarantee the core competency and success. तो आपके पास resources available हैं तो आप ये मत सोच लेना कि core competency हो जाएगी और आपको success मिल जाएगी. No. Capabilities stem from the organizational structure, processes and control systems. तो इन दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Next, applying the value chain approach to core competencies for competitive advantage includes the following steps. So, क्या तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हो, core competencies को अचीव कर सकते हो, कौन से तरीके हैं value chain को apply करके core competencies में आप अपने लिए को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो. पहला स्टेप, वैलिडेट द कोर कॉम्पिटेंसीज इन द करंट बिजनेसेस. आपके पास जो भी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं उनको कॉन्टीन्यूसली वैलिडेट किया जाए, अपडेट किया जाए. क्यों? क्योंकि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है. हो सकता है के लिए आज कोर कॉम्पिटेंसी है, कल वो उसको कोई पूछे भी नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ ही शॉर्ट थी, अब उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है. उसको सुपरसीड कर दिया किसी और चीज़ ने जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल बन चुकी है. तो हो सकता है आपकी आज की कोर कॉम्पिटेंसी कल की कुछ और कुछ भी ना रहे. तो इसीलिए आपको उसको वैलिडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लिवरेज द कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेंज ऑफ अदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. अब इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी है तो उसको दूसरे बिजनेसेस में भी अप्लाई करो और उसमें भी कोर कॉम्पिटेंसीज को अचीव करो, बेनिफिट्स अचीव करो. कैसे? अगर एक बिजनेस में आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी है, आपने लार्ज मार्केट कैप्चर करा हुआ है, आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स हैं जिनका आपके पास एक्सेस है, तो उन मार्केट्स के अंदर अपने दूसरे प्रोडक्ट को जब आप लॉन्च करोगे तो डेफिनेटली देयर इज विल बी एन ईज टू यू. क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो मार्केट के अंदर. सो आप इस चीज़ को लेवरेज करो, इन कॉम्पिटेंसीज को दूसरी वाली अपने बिजनेसेस में भी अप्लाई करके देखो. नेक्स्ट, यूज कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन्स ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. आपके जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको अपडेट करो, उनकी वैल्यू चेन्स को अपडेट करो, उनको इम्प्रूव करो. जिससे क्या होगा, इम्प्रूव करते रहोगे तो जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो आप ही की होंगी. नहीं तो क्या होगा, जो भी नए एंट्रेंट्स होंगे, नए कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपसे ले जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने वैलिडेट ही नहीं किया, आपने अपडेट ही नहीं करा, रिकॉन्फिगर ही नहीं करा अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ को, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में यूज़ ही नहीं किया. सो इस तरीके से आपको रिकॉन्फिगरेशन भी करना ज़रूरी है. पहले में आपको वैलिडेट करना था, दूसरे में आपको लेवरेज करना था, तीसरे में आपको रिकॉन्फिगर करना था, और चौथे पॉइंट में आपको न्यू वैल्यू चेंज को क्रिएट करते रहना चाहिए. अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को यूज़ करो, उसकी मदद से नई वैल्यू चेंज, नई वैल्यू एडिशंस इंक्रीज करने की कोशिश करो. देखो, जब आप न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हो, कैसे कर पाओगे? जब आप नई वैल्यू चेंज को बनाते हो, डेवलप करते हो, तभी आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में है वो न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर पाएगी. सो इस तरीके से आपको इवॉल्व होना पड़ता है, आपको न्यू वैल्यू चेंज को क्रिएट करना पड़ता है. चलो एक एक करके रीड करते हैं. फोर, व्हाट आर दी स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो और यू नीड टू अप्लाई जिससे कि आपको कोर कॉम्पिटेंसीज की वजह से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल पाए. सो पहला था हमारे पास, वैलिडेट दी कोर कॉम्पिटेंसीज इन द करंट बिजनेसेस. कोर कॉम्पिटेंसीज मस्ट लीड टू अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द बिजनेस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज बी वैलिडेटेड कॉन्टीन्यूअसली. राइट, कॉन्टीन्यूअसली आपको वैलिडेट करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, लेवरेज कॉम्पिटेंसीज टू द वैल्यू चेन्स ऑफ द अदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. अ कोर कॉम्पिटेंसी इन वन सेगमेंट ऑफ द बिजनेस कैन बी यूज्ड इन अनदर एग्जिस्टिंग और न्यू बिजनेस
an excellent distribution network in one business can be used to launch another product. आपका distribution network इतना strong है तो जब नए product को launch करो तो उसी के through करो ना, ज़्यादा benefit मिलेगा. Example, if a bank has a wide network of branches in its banking business, the same network can be used to launch and sell the insurance products. अब एक बात बताओ, बैंक बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू आप अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी बेचना स्टार्ट करो तो आपको वाइड कस्टमर बेस मिल जाएगा, वाइड कस्टमर बेस मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी जो स्टार्ट होगी वो बहुत अच्छी होगी. नेक्स्ट, यूज़ कोर कॉम्पिटेंसीज टू रिकॉन्फिगर द वैल्यू चेन्स ऑफ एग्जिस्टिंग businesses. While firms may manage their existing value chains better than at their competitors, sophisticated firms work harder on using their core competencies to reconfigure the value chain to improve the payoffs. Otherwise, competitors may exploit the opportunities. देखो, आपकी कंपनी में employees हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनको periodically promotions नहीं दोगे, उनको उनकी जो भी उन्होंने काम किया है उस पर प्रेज नहीं करोगे, रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, तो हो सकता है ना आपके कॉम्पिटिटर्स उन्हीं एम्प्लॉयज़ को, जिन पर आपने भी मेहनत करी और उन एम्प्लॉयज़ ने भी मेहनत करी आपके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में, उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ऑफर देकर आपसे ले जाएं. तो कैसे, इसीलिए कॉम्पिटिटर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को, तो आपको रिकॉग्निशन देना भी बहुत ज़रूरी है. Use core competencies to create new value chains. With strong core competencies in its existing businesses, an organization can seek new customers by developing new value chains. So, आपको core competencies use करनी चाहिए जिससे कि आप new value chains को create कर सको. So, strong core competencies अगर आपके existing business में हैं तो organization चाहे तो new customers को भी seek कर सकती है by developing the new value chains. For example, FedEx transferred its expertise in the delivery of small packages to contract new businesses with L.L. Bean for overnight distribution. Disney has exported its people moving skills to urban mass transit for Oakland, California. एक्सपर्टीज थी उसकी पैकेजेस को डिलीवर करने में, तो उसने नए बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसका नाम था L.L. Bean, जिससे कि क्या कर सके वो ओवरनाइट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सके. सो इस तरीके से आपको भी अपनी न्यू वैल्यू चेन्स को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, उससे आप अपने नए नए कस्टमर्स को भी ऐड ऑन कर पाओगे. सो दिस वाज अबाउट द सेकंड फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क विच वॉज कोर कॉम्पिटेंसीज एनालिसिस. अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड और लास्ट फ्रेमवर्क के बारे में, विच इज़ सेगमेंटेशन एनालिसिस. इसके अंदर आपको डिसाइड करना होता है कि ये जो काम है वो हम खुद करें या फिर आउटसोर्स कर दें. अब ये डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला काम आपकी सेगमेंट्स में अच्छा हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा, कितना कौन सा वाला जो ऐसा है जिसको आप लो कॉस्ट पे बाहर से करवाओगे तो अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है, सिमिलर क्वालिटी का मिल सकता है बट कम प्राइस पर. सो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा वेदर टू डू इट सेल्फ और आउटसोर्स द सेम. So this is also important for from the point of view of company, जब भी आप value chain analysis देख रहे हो, बना रहे हो. So segmentation analysis, a single industry might be a collection of different market segments. This is obvious, एक industry के अंदर different market segments हो सकते हैं. Motor vehicle industry for example can be seen as a composite of tire, glass, battery, metals etc. अब एक motor vehicle को बनाने में, एक motor vehicle के लिए आपको कितने सारे components चाहिए होते हैं, टायर चाहिए होता है, ग्लास चाहिए होता है, बैटरी चाहिए होती है, मेटल्स चाहिए होते हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी तो हैं, ये सारे सेगमेंट्स भी तो हैं. सो नॉट ऑल दी फर्म्स इन एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेट इन दी ऑल सेगमेंट्स. अब ज़रूरी तो नहीं है जो मोटर व्हीकल बना रहा है वो उस मोटर व्हीकल के टायर्स भी बनाएगा, ग्लासेस भी बनाएगा, बैटरी भी वही बनाएगा, सब कुछ वही बना रहा है, नहीं. क्या करते हैं, कुछ कुछ जो कंपोनेंट्स हैं ना वो दूसरे सेगमेंट्स, जो मतलब सारे सेगमेंट्स को खुद से ही नहीं बनाते, सभी सेगमेंटेशन मतलब सेगमेंट्स को का काम वो खुद से नहीं करते, वो कुछ काम आउटसोर्स कर देते हैं, कहीं और से बनवा देते हैं. सो द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट्स नीड्स टू बी एग्जामिन्ड. तो क्या क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब देखने की ज़रूरत है. तो उनको देखोगे उसी के बेसिस पर तो डिसाइड करोगे ना कि किस इंडस्ट्री, किस सेगमेंट का काम आपको खुद करना चाहिए और किसका बाहर से कराना चाहिए.
So this analysis will reveal the competitive advantages or disadvantages of different segments. कि कौन सा segment का काम करने में आपको फ़ायदा हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है. A firm may use this information to decide to exit the segment or to enter a segment, reconfigure one or more segments, or embark on cost reduction या फिर differentiation products. So firm अब information gather करेगी. Information gather करने के बाद ये decide कर पाएगी कि इस segment से तो मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, इस सेगमेंट में एंटर करता हूँ तो अच्छा रहेगा, और इस सेगमेंट को दूसरी सेगमेंट के रिकॉन्फिगर ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, आप अपनी कॉस्ट को या तो रिड्यूस कर लोगे या फिर आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट भी बहुत डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल अलग बन के निकलेगा, बिकॉज कुछ आप काम खुद कर रहे हो, कुछ बाहर से करवा रहे हो. सो फर्स्ट स्टेप इज identify the segmentation variables and categories. So basically आपको देखना है कि क्या आपका segmentation का basis होने वाला है, उस चीज़ को identify करना है, basis को identify करना है. So identify the segmentation variables and categories देखो. Secondly, you will construct a segmentation matrix. Generally two-way matrix create की जाती है जिसके अंदर आप decide कर पाते हो कि किस पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको बनाना है, देना है, रिकॉन्फिगर करना है वगैरह वगैरह. थर्ड इज एनालाइज दी सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस. कौन सी सेगमेंट अट्रैक्टिव है, अब उस अट्रैक्टिव सेगमेंट को भी एनालाइज करो कि सब उस सारी की सारी सेगमेंट को बनाना है नहीं बनाना है. फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई द की सक्सेस फैक्टर्स फॉर ईच सेगमेंट. की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के, एक्चुअल में की सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करो. एनालाइज करो अट्रैक्टिवनेस को ऑफ द ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप को. ब्रॉड के साथ नैरो सेगमेंट स्कोप को कंपेयर करो, एनालाइज करो और उसके बाद डिसीजन लो. सो एक एक करके पढ़ते हैं स्टेप्स को डिटेल में. आइडेंटिफाई द सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज. सो बेसिकली यू हैव टू डिसाइड द बेसिस फॉर सेगमेंटेशन. एन इंडस्ट्री माइट बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल and complexity of the industry. So the segmentation could be based on the nature of products or the geographies or customers. Customers ke basis par bhi aap segments bana sakte ho, geographies ke basis par bhi bana sakte ho, nature basis par bhi bana sakte ho. Construct a segmentation matrix. Ab aap matrix banaoge generally jo ki kya hoti hai, two way hoti hai, jisme aap segments ko identify karte ho aur fir ek matrix ki form mein create karte ho, jiski base jisme aap combination of two dekhte ho aur dono ke combination ke hisab se you decide ki kaun sa sahi hai aur kaun sa nahi. So after the segments are identified, a segmentation matrix generally two way can be created. ITC could create a matrix based on the nature of products, kyunki ITC ek प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारे उसके होटल्स भी हैं, सिगरेट्स भी प्रोवाइड करता है, टेक्सटाइल, पेपर, इन सभी में ITC है. और ज्योग्राफीज़ के बेस पे कर सकता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब सिगरेट्स का नॉर्थ में कैसा चल रहा है, साउथ में कैसा चल रहा है, वेस्ट का कैसा चल रहा है, ईस्ट में कैसा चल रहा है. सिमिलरली होटल्स का नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में कैसा है, इस टाइप से. Another way could be to create a matrix using products and distribution channel, that is wholesale, retail, direct. So for example, जैसे मैंने cigarettes और north, east, west, south का बताया था, तो cigarettes हो सकता है north में आपको खुद बनाने में फ़ायदा हो रहा है labor की वजह से, cheap labor की वजह से, raw material की वजह से, but कहीं और हो सकता है आप outsource करते हो तो आपको beneficial है. तो इसी basis पर, ये तो example दिए हैं, इस basis पर आप अपना matrix बनाओ और matrix बनाने के बाद you can decide कि कौन से segment में क्या चीज़ है. Once you have constructed the segment, आप इस सेगमेंट को यूज़ करोगे, एनालाइज करोगे सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस को. सो अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स कुड बी यूज टू इवेलुएट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द सेगमेंट. द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस सेगमेंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल एनालाइजिंग द सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस. कौन सी सेगमेंट अट्रैक्टिव है और कौन सी नहीं. Identify the key success factors for each segment. हर एक segment के key success factors को identify करो. Each segment identified must be assessed with relevant measure of performance. So हर एक segment जो भी आपने identify की उसको अब सभी segments का measure of performance अलग हो सकता है. हर किसी को आप एक measurement के हिसाब से तो नहीं measure कर सकते, मतलब एक ही चीज़ के साथ compare तो नहीं कर सकते कि इसमें अगर suppose कोई भी आपका सपोज सिगरेट्स है तो सिगरेट्स को आप
होटल्स में जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, होटल्स के जो भी मेजर ऑफ कंपैरिजन है वो सिगरेट्स में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. तो सिमिलरली आपको हर एक सेगमेंट के लिए हर एक जो भी रेलेवेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस होगा उसके साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा. इट कुड बी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा. तो हो सकता है आप क्वालिटी के बेसिस पर कर रहे हो, सर्विस के बेसिस पर कर रहे हो, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी के बेसिस पर कर रहे हो, तो कुछ भी. तो उसके हिसाब से जो भी जिसके लिए रेलिवेंट है उसके हिसाब से उसको असेस करो. अ सिंगल परफॉर्मेंस मेजर अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स इज नॉट एडवाइजेबल. अ मेजर विच सूट्स द सर्विस सेगमेंट फॉर ऑब्वियस रीजंस. Analyze the attractiveness of broad versus narrow segment scope. The company must identify whether it wants to be in a broad segment or in a narrow one. Narrower segments could be risky for business as a single segment could be vulnerable to competition. Multiple segments help a company to spread the costs across the various segments. The company might also be in a position to use the competency of one segment in the other segments. Some firms might abandon certain segments because of lack of profitability. The competitive advantage of each segment may be identified in terms of low cost and oblique or the differentiation. So, हो सकता है नैरो अगर आप रखते हो, मतलब सिंगल ही इंडस्ट्री सेगमेंट रख रहे हो, तो हो सकता है ना वो इंडस्ट्री का वो सॉरी सेगमेंट का रिस्पॉन्स अच्छा है, हो सकता है उसका रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है. और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो आपका जो है आपके जो ज़्यादा अगर सेगमेंट्स होते हैं तो आप कॉस्ट को इजीली डिवाइड कर सकते हो, प्लस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी वाली सेगमेंट में पर्टिकुलरली आपको आउटसोर्सिंग की ज़रूरत है, कौन सी वाली पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है करने की बिकॉज इट इज़ गोइंग वेल. सो दैट कैन बी हेल्प, दैट कैन हैपन ओनली वैन यू हैव डिवाइडेड देम. अदरवाइज़ क्या होगा, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे इजीली कि किसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है. इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसको छोटा छोटा ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. सो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी लोगी और आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी अच्छे से हो पाएगा. क्यों? क्योंकि जिसमें प्रॉब्लम आ रही होगी आप उसको आउटसोर्स करोगे तो देर विल बी अ बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट यू कैन प्रोवाइड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, please give it a big thumbs up and comment in the comment section below if you liked any part of the video or you want any other topic video for this particular subject or any of the subjects that we have. Do share it with your friends and subscribe to the channel in case you haven't yet. Also, if you have any suggestions or specific topic requests, you can let me know about it in the comment section. And that's all for today. I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Thank you for watching, guys. Bye-bye.